नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गोश्त की दुकान में गौ हत्या कर गौ मांस बेचने पर भोगनीपुर पुलिस का चला चाबू। जी हां, आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर गोश्त की दुकान में पुलिस ने छापा मारा था। मांस के कारोबार में मुखबिर द्वारा गौ मांस बेचने की जानकारी मिलते ही भोगनीपुर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की। दरअसल मामला कोतवाली कस्बा पुखराया वार्ड नंबर 3 बंदी मस्जिद के पास का था, जहां मुखबिर की सूचना पर गोश्त की दुकान में पुलिस ने छापा मारा। जैसे ही पुलिस को लोगों ने वहां देखा, पुलिस फोर्स के पहुंचते ही लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। भोगनीपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर पुलिस ने फ्रिज में रखे संदिग्ध मांस को कब्जे में लेते हुए जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए। मांस की दुकान में काम कर रहे युवक शब्बू उर्फ बबलू पुत्र बकरीदी निवासी सट्टी को गिरफ्तार करते हुए संदिग्ध धाराओं में 3/5 और 3/8 में जेल भेजा गया है। मांस को कब्जे में लेकर जाँच के लिए भेजा गया। शमशाद उर्फ पप्पू पुत्र बकरीदी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस अभी उनको तलाश रही है। इस मामले पर सीओ भोगनीपुर प्रभात कुमार ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में एक युवक शब्बू उर्फ बबलू पुत्र बकरीदी निवासी सट्टी को गिरफ्तार किया गया है और एक आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। यह गौ मांस कहाँ से लाया जा रहा था, इस बारे में भी जाँच की जा रही है। इस मामले में गौकृषि के संबंधित धाराओं में कार्रवाई भी की जा रही है और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। सर्कल कस्बा पुखराया में एक मांस की दुकान में पुलिस ने छापा मारा है, संदिग्ध मांस को कब्जे में लिया है, एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। सर, क्या पूरा मामला है? क्योंकि कल जानकारी मिली थी कि पुखराया में वार्ड नंबर 3 में एक मीट की दुकान में प्रतिबंधित मांस जो है बेचा जा रहा है। इसकी सूचना पर पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई, पुलिस टीम भेजी गई। पुलिस टीम द्वारा वहाँ पर जांच की गई तो जांच में मांस जो है मांस जो प्रतिबंधित पाया गया। इस पर जो है नियंत्रण संघ धारा में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया और एक अभियुक्त उसने जेल भेज दिया गया। एक अभियुक्त जो है उसमें फरार है, उसकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किया, शीघ्र गिरफ्तार करके उसी नियमों से दिया गया। हाँ जी, किसी की जानकारी मिली है और माल का माल वाले लेकर उसे परीक्षण के लिए भेज दिया गया और मुकदमा पंजीकृत करके इसको दे दिया।